झेल रहे दिव्यांगों के सामने भुखमरी का संकट आ जाएगा। वक्तव्य को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने प्रतिभागियों को कुछ दिशा निर्देश देना चाहूंगी। सभी प्रतिभागी स्क्रीन पर उपलब्ध कमेंट बॉक्स पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल के द्वारा भेजा जा चुका है। उपस्थिति के लिए पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपका और आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। वक्तव्य समाप्त होने के तुरंत बाद फीडबैक फॉर्म का लिंक कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे जो अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे व फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर इस विषय से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम प्रश्न सत्र में कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों पर चर्चा की जा सके। आप सभी प्रतिभागियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं फतेहचंद महिला महाविद्यालय की ओर से उन्हें स्वागत करती हूं। और अब मैं वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर पुष्पा देवी जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और डॉक्टर चंदा सागर जी का संक्षिप्त परिचय हमारे सामने रखें। डॉक्टर पुष्पा देवी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा गर्ग अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर चंदा सागर एवं अपने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने प्रतिभागियों को एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ जिनका व्यक्तित्व ही उनकी पहचान है। इन्होंने अपनी जिंदगी को अपने अंदाज से जिया है, मेहनत के बल पर अपने हाथों की लकीरों को बदला है। ये दुनिया को अपनी नजरों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, महसूस तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। इन्होंने शारीरिक दिव्यांगता को अपनी सफलता के बीच बाधा नहीं बनने दिया। इनमें हौसला ऐसा है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो ये हासिल ना कर सके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से मिलती है। डॉक्टर चंदा सागर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से प्राप्त की। इन्होंने डॉक्टर तेज सिंह के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनका शैक्षणिक अनुभव 18 वर्षों का है। इन 18 वर्षों में इनके अनेक लेख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। ये स्वयं एक कवित्री हैं। उनका काव्य संग्रह ख्वाहिशों का आसमान प्रकाशित हो चुका है जो कि लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। ये समय समय पर कवि सम्मेलनों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर होने वाली विभिन्न चर्चाओं में भाग ले चुकी है। सन 2009 में इनके व्यक्तित्व पर बनी लघु फिल्म हौसलों की उड़ान लोकसभा चैनल पर प्रसारित हो चुकी है। सन 2009 में बेल लिपि के निर्माता लुई बेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष में बनाई गई लघु फिल्म इन्हीं के कक्षा कक्ष में फिल्माई गई थी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, महज ईश्वर ने आपको को बाहरी चकाचौंध से महरूम रखा है, परंतु मन के भीतर हौसलों के समंदर का हजूम रखा है। आंखों से देख सकते तो आप पर भी रंग चढ़े होते संसार के, लेकिन आपने अपने स्वरूप को हंस हंस के संजोए रखा है। अब मैं प्राचार्या महोदया डॉक्टर अनीता सहरावत से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर चंदा सागर एवं अपने सभी प्रतिभागियों का विधिवत स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर अनीता सहरावत।
नमस्कार, मैं प्राचार्य डॉक्टर अनीता सहरावत आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर चंदा सागर का एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी महामारी में दिव्यांगों की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। संगोष्ठी में इन्हीं समस्याओं को उजागर करने एवं निदान करने हेतु डॉक्टर चंदा सागर ने अपना व्यक्तित्व देने की सहमति प्रदान की है। मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार फिर डॉक्टर चंदा सागर एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं मैडम चंदा सागर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों से हमें अवगत करें। धन्यवाद मैडम। प्लीज प्राचार्य मैम, अनीता संकर जी, अनीता सजनावत जी, पुष्पा देवी जी, वंदना जी, सीमा जी और डीसी। आप थोड़ा वॉल्यूम करिए प्लीज। आदरणीय अनीता सहनावत जी, पुष्पा जी, अंजी, वंदना जी, सीमा जी, अंजी मैम स्टार्ट करिए प्लीज। इस सदस्य, इस टीम के सभी सदस्य इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, जैसा कि आपने विषय दिया है लॉकडाउन में दिव्यांगों की समस्या, मैं अपने पूरे वक्तव्य को अपने अनुभव से जोड़ करके आप लोगों के सम्मुख रखूंगी। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि लॉकडाउन किन स्थितियों में किया जाता है। लॉकडाउन एक तरीके की तालाबंदी है, ये आपात स्थिति किसी विपदा या महामारी के समय में किया जाता है। जब लॉकडाउन किया जाता है तो मेडिकल और खान पान की क्षेत्र को छोड़कर सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है। हमारे देश में भी COVID-19 महामारी से बचने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए लॉकडाउन की करने का सरकार ने प्रयास किया। जब ये लॉकडाउन किया गया तो योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया, अचानक ही ये लॉकडाउन किया गया, जिससे कि कुछ समस्याएं वो केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं सभी व्यक्तियों के लिए, जैसे जो लोग छात्रावास में रह रहे थे, जो लोग लॉन्ज में रह रहे थे, जो लोग होटल्स में रुके हुए थे, और इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय थे उनको भी ये सूचना नहीं थी, जिसके वजह से अनेक तरीके की समस्याएं पैदा हो गई। ये तो हो गई एक जनरल बात, जिसमें कि दिव्यांग और सामान्य सभी को नई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिव्यांगों की समस्याएं वैसे तो आम जन जीवन में ही, अगर हम समाज में भी देखें तो उनकी चुनौतियां सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। जब लॉकडाउन किया गया तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप लोगों की समस्याएं इतनी गंभीर हो गई तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से किसी ना किसी कारण से जूझ रहे थे, किसी नेत्र दोष के कारण मुख बधिर थे, अस्थि संबंधित जो रोगी थे, इस तरीके की जो समस्याओं से जो जूझ रहे थे उनकी समस्याएं कितनी बढ़ गई। दूसरी बात कि आरपीडी एक्ट में मुख्य रूप से 21 प्रकार की विकलांगता की बात की गई है। इसके अलावा भी
बहुत सारी ऐसी विकलांगता होगी जिस पर अभी काम होना बाकी है। हर विकलांगता की समस्या जो है वो अलग अलग है। जैसे आम जीवन में भी हर व्यक्ति की सोच समझ और समस्या अलग होती है, उसी तरीके से दिव्यांगों की समस्या अपने आप ही, चूंकि हर एक की समस्या अलग है तो उसको जूझना भी नए तरीके से पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि लॉकडाउन जब हुआ, हम इसको शिक्षित और अशिक्षित दो कैटेगरी में करके भी देख सकते हैं। तो जब हम शिक्षित की बात करें तो जो शिक्षित वर्ग था कहीं कहीं कार्यालयों में काम कर रहा था, कॉलेजों में काम कर रहा था, बैंक में, रेलवे में, उनको नई तरीके की समस्या ये हुई कि पहले से कोई सूचना नहीं थी तो लोग अपने घरों को नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दृष्टि बाधित हैं, मतलब दृष्टि बाधित, दोनों ही कपल दृष्टि बाधित हैं। ऐसे में बच्चों की परवरिश कितनी बड़ी चुनौती होगी, जबकि आम बाजार बंद कर दिए गए। क्योंकि जब बाजार खुले रहते थे, आम जन जब लॉकडाउन नहीं था, तो क्या होता है कि ऐसे में किसी भी रिक्शे वाले को बुला करके वो अपने घर की पूरी व्यवस्था, जरूरी सामान जो है वो लेकर के खुद आते हैं, और उनके घरेलू कामकाज में उनकी जो मेड है वो सहयोग करती। हुआ क्या कि एकाएक लॉकडाउन से लोगों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि सरकार को भी सोचना था कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए। बचने के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग, दैहिक दूरी बताई गई। अब दैहिक दूरी बताई गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी दृष्टिहीन को जब नई जगह पे लेके जाया जाता है, जो ऐसा मैप जिससे वो परिचित नहीं है, वहां पे उसको हाथ पकड़ के सहयोग करना पड़ता है। ऐसे में उसकी समस्या अपने आप ही बढ़ गई। और ऐसा नहीं है कि आम समाज सहयोग बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, नहीं, हमें दोनों तरफ से सोचना पड़े, क्योंकि दृष्टिहीन भी कहीं ना कहीं कोरोना की बीमारी से भयभीत होने लगा कि जो व्यक्ति हमारा सहयोग कर रहा है कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो। दृष्टि बाधित को भी भय था और दूसरी तरफ जो लोग हमारी सहायता कर रहे थे उनको भी भय था कि कहीं ये जो दिव्यांग है वो कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो हम एक तरफा बात नहीं कर सकते, दोनों तरफ से हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब पड़ोसी होते हैं तो वो दिव्यांगों का सहयोग करते हैं। ये हमारे व्यवहार पे भी बहुत निर्भर करता है कि हम अपने घर परिवार और समाज में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हम देखिए, किसी तरीके से आप काम आएंगे और दूसरे तरीके से हम काम आएंगे। इस समाज की जो प्राथमिक इकाई वो व्यक्ति है। हम एक तरफ ये बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो जब पूर्ण नहीं होता तो अंतर क्या है कि आप मेरी आंख वाले काम में सहयोग कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपको दिमाग वाले काम में सहयोग कर सकूं, मैं आपको अच्छा सुझाव दे सकूं, तो सहयोग तो करते रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन जब हुआ है तो लोग भयभीत हो गए हैं और चाह के भी वो सहयोग नहीं कर पाए हैं। लोगों को घरों में ऐसे ऐसे समस्याएं इस समय सुनने को आई कि जैसे सक्षम, जो भारत सरकार द्वारा जो संस्था चलती है सक्षम, उन्होंने दृष्टि बाधितों को हर तरीके की डिसेबिलिटी पे इस लॉकडाउन के समय में काम किया है। कईयों को राशन, कच्चे राशन की जरूरत थी, वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कई दृष्टिहीन ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग का शौक ही नहीं है, कईयों को आता है लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में ये समस्याएं बढ़ गई क्योंकि कुकाना बंद हो गई। तो इस समय बहुत सारी संस्थाओं ने और सक्षम ने मिल करके उनको पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, फिर भी समस्याएं देखिए पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि समस्या हर तरीके से बढ़ती चली। इसके अलावा जो अस्थि से पीड़ित लोग हैं, अस्थि दोष से, तो कई बार देखिए पार्किंसन, पैरालिसिस,
ऐसे ऐसे विकार हैं जिसमें हमें प्रॉपर केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग घरों में ही केयर टेकर के भरोसे रह रहे थे या उनकी शारीरिक जो व्यायाम कराने के लिए थेरेपिस्ट आते थे या योगा के कुछ इंस्ट्रक्टर आते थे, वो आना बंद हो गए, तो उनकी समस्याएं और बढ़ गई। मतलब वैसे ही बढ़ी हुई थी, लेकिन जब छूट गई चीजें तो वो नई तरीके की समस्याओं से जूझने लगी। इसके अलावा हम देखें तो जो थैलोसीमिया है, थैलोसीमिया में क्या होता है, रक्त को बदलना पड़ता है टाइम। अब जब कोरोना से पूरा विश्व ही जूझ रहा है और भारत में सबसे अंत में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं और वो अपना तांडव मचाना इस समय उसने शुरू कर दिया, तो ऐसे में थैलोसीमिया के मरीजों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है। वो भी एक तरीके की विकलांगता है और इसमें बहुत सारे दिल्ली के डॉक्टर्स के साथ मिल करके संस्थाओं ने, निजी संस्थाओं ने और भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सक्षम संस्था ने बहुत सराहनीय कदम उठाए और कोशिश किया कि वो उनकी आवश्यकता को पूरा करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉकडाउन जब हुआ तो इसकी किसी को सूचना नहीं थी। अगर हम, चूंकि मैं सीधे सीधे दिल्ली पे केंद्रित करती हूँ थोड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में होली के समय में मिड सेम ब्रेक कर दिया जाता है, तो जब मिड सेम ब्रेक की ब्रेक हुआ तो किसी को इसका आभास भी नहीं था कि स्थितियां इतनी मुश्किल हो जाएंगी और सरकार को इतने कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग अपने घरों को आए तो अपना कोई भी सामान हम घरों को लेके नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि हमें पता था मिड सेम ब्रेक 6 दिन का है और इसके बाद हमें वापस कॉलेज या छात्रावास वापस जाना है। ऐसे में क्या हुआ कि जो शिक्षित बच्चों की जो समस्या इस समय रखूंगी और शिक्षित जो कामकाजी है, हम जैसे जो शिक्षक थे उन्होंने लैपटॉप वगैरह तक उठाया नहीं, क्योंकि 6 दिन के लिए आ रहे हैं तो 6 दिन परिवार में जब आते हैं तो ये होता कि परिवार में भी दुख सुख और दुनियादारी हमें निभाना है, इसलिए लेके नहीं आए और सबको ये विश्वास था कि हमें तो 6 दिन बाद वापस आना है। इसके चलते जब लॉकडाउन हुआ तो जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी तो दिव्यांगों को, जो दृष्टिहीन थे, उनको बहुत समस्या आई कि जूम पे क्लास कैसे लें। नेटवर्क इशू था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उस पर लिंक कैसे करें। और सबसे बड़ी चुनौती एक शिक्षिका होने के नाते कि क्लासरूम में जब हम लोग जाते हैं तो कोई भी शिक्षक जो है यही प्रयास करेगा कि वो अपने विषय को पूरी तरीके से तैयार करके जाए। जब मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी तो मेरे हाथ में एक सिंगल किताब नहीं थी और मुझे अपने सहयोगियों से कहना पड़ा कि मेरे पास तो कोई पुस्तक नहीं है। फिर किसी तरीके से वो रिकॉर्ड करके मुझे मंगाना पड़ा बुक्स को और उसको सुनने के बाद अपने लेक्चर प्रिपेयर करके फिर बच्चों के साथ वो पूरा टॉपिक डिस्कस करना पड़ा। तो ये स्पेशल शिक्षित लोगों के लिए थी। बहुत सारे जो हमारे दिव्यांग हैं वो कहीं बैंक में है, रेलवे में है, तो इनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि बहुत सारे अधिकारियों का रवैया बहुत क्रूर तरीके का हो जाता है, या वो ये कह लीजिए, क्रूर भी हम ये नहीं कहेंगे, वो भी शासन के दबाव की वजह से होता होगा। अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल, चूंकि यहाँ पे अनीता जी भी सीधे सीधे जुड़ी हुई है, तो कोई भी अगर प्रिंसिपल कोई कदम उठाती है तो वो उसका दोष नहीं है, क्योंकि शासन का आदेश होता है और वो एक कड़ीबद्ध तरीके से लागू करवाया जाता है। प्रिंसिपल हम लोगों को कहेंगी और हम लोग अपने बच्चों से कहेंगे। तो ये सारी समस्याओं को समझते हैं कि अलग अलग तरीके की चुनौतियां रही। अच्छा, जो शहरों में जो मजदूर रह रहे थे, जो रोजगार के तलाश में गए थे, वो रोजगार कर रहे थे, उनको जब उनका जब रोजगार छूटा तो कुछ दिन तो उन्होंने सबर किया, वो वहीं रहे। उनको लगा कि हो सकता है 15 दिन बाद स्थितियां सामान्य हो जाए, उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन एक के बाद एक जब लॉकडाउन होते गए और जब उनके पास खाने का सामान खत्म होने लगा, संस्था ऐसा, मैं इस पटल पे लगातार कह रही हूँ कि निजी संस्थाओं ने, सरकारी संस्थाओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी
हमारा देश जो है घनी आबादी वाला देश है, प्रत्येक व्यक्ति तक प्रत्येक सहूलियत का पहुंचना मुश्किल है, पता लगाना पाना मुश्किल है। इसी में कई तरीके की हमारे अपने तरफ से भी सोचने की जरूरत है कि हम चूंकि चिंतित हो जाते हैं इन स्थितियों से, तो हम एक वक्त के भोजन के बजाय दो वक्त का भोजन भी ले करके संग्रहित करना चाहते हैं, इससे भी नई तरीके की समस्या खड़ी होती है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का रोजगार छूटा, लोग विवश होकर के, क्योंकि यातायात ट्रेन सब रुक गई, तो लोग कुछ तो पैदल निकल पड़े, कुछ लोगों ने साधन जिनको मिला वो साधन लेके चल पड़े, कुछ ठेला गाड़ी लेके चल पड़े, और कुछ अपने व्हीलचेयर को उठा करके ही, साइकिल को उठा करके ही चल पड़े। इसके कारण क्या थे छूटने के? ऐसा नहीं था कि खाने को नहीं मिला था, लेकिन सरकार ने तो आदेश दे दिया कि आप किराया मत मांगिए अपने किराएदारों से। लेकिन क्या प्रत्येक मकान मालिक ने इसको लागू किया? इसको हमें, इस पे मैं कोई कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सोचने का बिंदु है। ये आप लोग सोचिए, आपके आसपास में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये झेला होगा। इसके बाद हम चलते हैं ऐसे दिव्यांगों पे जो छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, जैसे ठेला चला करके, ई रिक्शा चला करके, चाट पकौड़ी लगा करके। जब लॉकडाउन आया तो ये सारी व्यवस्था बंद हो गई। बंद हमारी ही लिए किया गया, हमारी सुरक्षा के लिए किया गया, ताकि ये महामारी विकराल रूप धारण ना करे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि जो अपने बल पर अपने हुनर से जो कुछ कमा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो भूखमरी से जूझने लगे। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए एक नई चुनौती, चूंकि कॉलेज में पढ़ाने का एक सुख तो है कि सामान्य के साथ साथ बहुत सारे दिव्यांगों से भी सीधे सीधे जुड़े होने के कारण उनकी समस्याएं सीधे सीधे मुझे मालूम है। बहुत सारी मेरी बच्चियां जो वैवाहिक जीवन जी रही हैं, जिनके पास बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि नई नई तरीके की चुनौतियां ये रही कि अगर हम जा रहे हैं साग सब्जी लेने, और उसमें जो है पैसा लेने का काम है, एक तरफ तो सब कह रहे थे पैसे में पैसा नहीं लेना है, पैसे में लोग पैसे के थ्रू भी कीटाणु आ सकते हैं। अभी तो बड़ी विवशता है, सबके पास तो एटीएम नहीं है, शिक्षित दृष्टिहीन या दिव्यांग के पास तो हो सकता है एटीएम या उस तरीके का स्वाइप करने का, लेकिन सबके पास तो नहीं है। सब छोटे कारोबारियों के पास उस तरीके की मशीनें भी नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दोनों ही भयभीत है, समाज भी हमसे भयभीत है और हम भी समाज से भयभीत हैं। हमें भी डर है कोरोना के फैलने का। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जैसे कि जब वो बीमारी किसी किसी तरीके की और परेशानी हुई शारीरिक, कोई बीमार पड़ा, बुखार आया या पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी इस तरीके की जो बीमारियां आई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सीधे सीधे ये बताया भी कि हमने डॉक्टर के पास जाना अवॉइड किया। सीधे सीधे पता है आपको भी कि डॉक्टर के पास जाने, एक तो डॉक्टर, सारे डॉक्टरों का ध्यान जो है इस समय कोरोना पे है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कोरोना के इतने ज्यादा केस एकाएक आने लगे हैं, आप दिल्ली और महाराष्ट्र में देखिए, क्यों प्राथमिकता कोरोना हो गई। और इसमें जो छोटे मोटे इलाज थे वो एक तरीके से नजरअंदाज किए भी गए, और कुछ हमने भी किए, क्योंकि हम भी भयभीत थे कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो रास्ते में हम कहाँ कहाँ क्या क्या छूते हुए चलेंगे, किन किन का सहारा मांग के चलेंगे, सहारा कोई देगा नहीं, क्योंकि भय का माहौल है, सबको अपनी लाइफ सुरक्षित चाहिए, तो इसमें कोई नाराजगी वाली बात भी नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने घर में ही किसी किसी तरीके से अपना उपचार, देसी तरीके से भी लोगों ने करके अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अब लॉकडाउन में 8 जून से ढील दे दी गई है। देखिए समस्याएं खत्म नहीं हुई है,
समस्याएं तो दिन प्रतिदिन कोरोना की बढ़ रही हैं, लेकिन अब कब तक सब व्यवस्था को ठप रखेंगे? भुखमरी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, तो इसमें एक नई चुनौती और क्या हो गई कि अब चूंकि मैं इस समय लखनऊ में बैठी हुई हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि यातायात के सभी साधन खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, बाजार आम बाजार ठीक है, उतनी चहल पहल नहीं है, पर मैं मान के चलती हूँ कि 50-60% चहल पहल हो गया। लोग कब तक बैठे रहेंगे घरों में, उनका भी भय अब समाप्त हो गया है, या यूं कह सकते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कोरोना से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए कि हमें कैसे अपने को सुरक्षित रख करके अपने दैनिक कामकाज को करना है। तो साधन खुले, लेकिन आप सब सोचिए कि किसी भी दृष्टिहीन को अगर बाहर जाना है तो वो घर से ही बेचारा छू करके चलेगा, क्योंकि बिना छुए उसका काम ही नहीं चलेगा। वो बस में जाएगा तो हैंडल पकड़ेगा, साइकिल ऑटो रिक्शा में बैठेगा तो सहयोग सपोर्ट से बैठेगा, रिक्शा में बैठेगा तो कहां कहां हम सैनिटाइज करेंगे। अच्छा होगा दिव्यांगों के लिए भी मेरा ये संदेश है कि ये जो आप लोगों ने प्रयास किया कि जितना हो सके हम बाहर जाना अवॉइड करें, यही एक सबसे बढ़िया तरीका है कि हम बचते रहें बाहर जाने से, हम घरों में ही सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सरकार ने भी दैहिक और सामाजिक दूरी बनाने के लिए कहा है, हम घर में ही दैहिक और सामाजिक दूरी को बना करके सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही हमारी दैहिक और सामाजिक दूरी, जो दो गज की दैहिक और सामाजिक दूरी रखना है, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें सहयोग चाहिए। और थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति देख सकता है, अगर मान लीजिए 30-40% व्यक्ति देख सकता है, उसके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जो 100% ब्लाइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने ही संस्थाएं थी जो मूक बधिर को स्पीच थेरेपी दे करके उनको आम तरीके से जीवन जीना सिखाती हैं। वो एक तरीके से थेरेपी देती हैं और थोड़ा थोड़ा स्पीच इंप्रूव करा करके उनके टेक्नोलॉजी के सहारे उनको इस लायक बनाया जाता है, वाद्य यंत्र कुछ यंत्र लगा करके, कि वो बोलने लायक हो जाए। वो थेरेपी रुकने से लोगों के चैलेंजेस बढ़ गए, क्योंकि परिवार में लोग उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते। उसका कारण क्या है? परिवार शिक्षित नहीं है, परिवार शिक्षित नहीं है कि उनको ट्रेनिंग दे देगा, उनको स्पेशल ट्रेनर की जरूरत होती है। यही कारण है कि उसकी समस्याएं लॉकडाउन के समय में बढ़ी हैं। इसके अलावा पार्किंसन जैसे जो मरीज थे उनकी समस्याएं अलग तरीके की बढ़ी, क्योंकि उनको भी घर को व्यवस्थित करने के लिए, घरेलू कामकाज के लिए फुल टाइम जो मेड या सर्वेंट रखे गए थे वो लॉकडाउन की वजह से चलते नहीं आ पाए। अच्छा, इसमें एक कड़ी नए तरीके की जुड़ी कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में थे, ऐसा नहीं था कि सरकारी वालों ने ही हेल्पर रखे हुए थे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे वो भी हेल्पर रखा हुआ था अपने दैनिक कामकाज के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि जब उनका बेरोजगार हुआ, उनका ही जब पेमेंट रुक गई, उनको कंपनियों से निकाल दिया गया, तो एक के बजाय दो का रोजगार गया, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने के कारण मेड का आना बंद हो गया। मेड का आना बंद होने के कारण, पहली बात तो वो आती भी तो वो पेमेंट कैसे देता, क्योंकि उसके पास अपना ही व्यवसाय नहीं, उसका अपना ही पेमेंट आना रुक गया है। तो इस कारण से दो लोग जो दिव्यांगों से सीधे सीधे लोग जुड़े हुए थे वो तो डबल एक तरीके से मार झेल रहे थे, दिव्यांग भी और यहाँ पे जो उनके हेल्पर थे वो भी। अब बात आती है कि हाँ, इसके अलावा मैं इस पटल से अपने जितने भी, चूंकि जब सुनते हैं तो संदेश भी पहुंचता है कहीं ना कहीं, मैं ये कहूंगी कि हमें अपना मनोबल कमजोर नहीं करना है, हमें अपनी कोई भी समस्या आती है
तो समाधान हमें ही ढूंढना पड़ता है। और प्राचार्या ने भी बोला कि समाधान भी दें, और मुझे भी लगता है कि समस्या पे चर्चा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसका समाधान बैठ के ढूंढें, क्योंकि समाधान हमारे तरफ से ही बेहतर जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों से जब बात हुई, एक व्याख्यान जब कराया गया तो लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है दृष्टिहीन को, तो वो दस्ताने पहन लेगा। आप सोचिए कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से आंख का काम कान और त्वचा से लेता है वो कैसे दस्ताना पहन लेगा। दस्ताने के पहनते ही हम अपने सारे जो दैनिक कामकाज हैं उससे वंचित हो जाएंगे, क्योंकि दस्ताना पहनते ही मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मोबाइल पे क्या कर रही हूँ, तो लैपटॉप पे क्या कर रही हूँ, या ब्रेल स्क्रिप्ट मुझे अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ ही नहीं सकती। घरेलू काम काज में अगर मैं बर्तन भी मांजती हूँ तो उसको छू करके देखना पड़ता कि साबुन हटा कि नहीं हटा। अगर मैं पोछा भी लगाती हूँ तो एक सिक्वेंस में हम लोग लगाते हैं, एक तरीके से लगाते हैं, और टच करके हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पोछा लग गया। चाहे पोछा हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे दिन प्रतिदिन के जितने भी काम हैं वो हम टच से ही लेते हैं। तो दस्ताना कोई सोल्यूशन नहीं है। स्वच्छता आप कह सकते हैं, हमें सबसे पहली बात कि सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम बाहर जाए तो आ करके चाहे सिंगल ही क्यों ना रह रहे हो, क्योंकि सिंगल की सबसे बड़ी समस्या है, सिंगल व्यक्ति जब बाहर से आ रहा है तो उसकी समस्या इसलिए और बढ़ जाती है कि घर में जब होते हैं चार हाथ होते हैं तो सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ पे ऐसे दिव्यांगों की जो सिंगल रह रहे हैं उनकी समस्या बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है, क्योंकि मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं विषय को मोड़ती हूँ कि लोग बोलते हैं कि अमेजोन से मंगा लो या ग्रोफर्स से मंगा लो, तो जब राशन पता ही आएगा तो व्यक्ति तो छुएगा ना, सीधे धुलने के लिए नहीं ले जाएगा, पहले वो अपने हाथ से उठाएगा साग सब्जी या कुछ भी चीज या पैकेट्स, फिर वो पानी तक लेके जाएगा, उसको एक एक चीज को धुलेगा, तो वो धुलने में भी पूरा छूने का ही काम है। दृष्टिहीन की तो सबसे बड़ा जो काम है वो आवाज और त्वचा से ही है, कि कोई अगल बगल क्या कर रहा है उस वो सेंस से ही, आवाजों से ही हम लोग वो चीजों को रीड करते हैं, और अपने स्पर्श का प्रयोग 80% क्या मैं 90% भी कहूँ कि 90% जो हमारे काम काज है वो हमारे स्पर्श पे आधारित है, तो मेरे को नहीं लगता कि अतिशयोक्ति होगी। तो वापस चलती हूँ सॉल्यूशन की ओर। तो स्वच्छता रखने के साथ साथ हमें, जैसे हम स्टिक लेके गए बाहर तो हम अगर आते हैं घर में तो उस स्टिक को सैनिटाइज करें, मान लीजिए सैनिटाइजर नहीं है घर में तो हम सर्फ या साबुन से उसको धुल सकते हैं, क्योंकि उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट तो सर्फ या साबुन ही है, हमारे पास कोई चीज और नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से धोएं, और जब भी घर आए तो एक कोशिश करें कि एक ऐसी चप्पल का जरूर इस्तेमाल करें। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता है कि वो कब क्या करेगा, क्या चीज मुंह में डालेगा। चुनौतियां इतनी दिव्यांगों की इतनी जबरदस्त बढ़ गई हैं कि मान लीजिए आप लोग एक जगह दूध उबल रहा है और एक जगह सब्जी काट रहे हैं और आपका बच्चा खेल रहा है, तो आप तीनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। कारण, आप एक बार घूमेंगे तो दूध देख लेंगे, एक तरफ अपने बच्चे को देख लेंगे, आपकी सब्जी की कटिंग भी होती रहेगी। लेकिन दृष्टिहीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि वो दूध का उबलना भी जा करके पतीले को टच करके देखेगा कि दूध का उबाल ऊपर आया क्या। दूसरी चीज, अगर वो सब्जी काट रहा है तो वो बच्चे को भी, या तो बच्चा अगल बगल खड़ा है तब तो ठीक है मैनेज कर ले जाएगा, अगर दूर है तो उसके दिमाग में पूरे टाइम ये चलेगा कि पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, कहीं कोई दवाई तो नहीं रख दिया है गलती से, क्योंकि ये सब चीजों का ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर दवाइयां खोल के खा जाते हैं, कितनों की रोशनियां इसी तरीके से आंखों की रोशनी गई दवाइयों को खाने से। तो इस तरीके की सावधानी हमें बरतनी है, और वो एक साथ जो दृष्टिहीन है वो मैनेज नहीं कर सकता, या तो अपना बच्चा ही खिला लेगा या वो सब्जी ही काट लेगा। इसलिए दृष्टिहीनों की या जितने भी तरीके की डिसेबिलिटी है उनकी समस्याएं बहुत
जबरदस्त दुगनी चौगुनी हुई है। समाधान के ओर वापस आते हैं। समाधान में स्वच्छता के साथ साथ सैनिटाइजर के साथ साथ हम कोशिश करें कि बार बार बाहर ना जाए, या बार बार सामान भी अगर हमें मंगाना है तो हम कोशिश करें कि ज्यादा सामान मंगा के रखें, ताकि हमारे घर में किसी का लगातार आना जाना ना रहे। क्योंकि आना जाना होगा तो हमारा छूना भी होगा, हम सामान को छुएंगे भी, और किस तरीके से जो है वायरस आएगा, क्योंकि वायरस ये दिखाई देने वाला नहीं है, ये वायरस ऐसा है जो अगला भी असुरक्षित है कि जिस व्यक्ति को वो देने गया था कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, तो वो भी भयभीत है जिस तरीके से हम भयभीत हैं। इस और हमें ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जो सरकारें हमारे लिए नियम बना रही हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए कर रही हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उन सब चीजों को अपने जीवन में लागू रखें। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार से भी हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, और वो चीजें उपलब्ध हैं बाजार में, अश्वगंधा, गिलोय, ये जो लगातार इन सब चीजों की चर्चा हो रही है। गिलोय एक औषधीय गुण है और उसको पीने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर सीधे सीधे उपलब्ध है तब तो बहुत ही बढ़िया है कि ताजी गिलोय को कूट करके पीने से भी गर्म पानी का सेवन करें, खान पान अपना अच्छा रखें। सबसे महत्वपूर्ण है कि दिव्यांग जब घरों में बैठे तो उनका तनाव बहुत बढ़ा है। तनाव बढ़ा है तो तनाव मुक्त रहने के लिए हम तो एक पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच ही हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढती है। जब हमारी सकारात्मक सोच होगी तो हम ऐसे स्वस्थ रहेंगे। जब हम नेगेटिव अप्रोच रखते हैं तो पूरा माहौल ही नेगेटिव हो जाता है। जरूरत नहीं है हर, यहाँ तो दिव्यांग को केंद्रित में रखे ये टॉपिक दिया गया है, मैं वैसे भी कह रही हूं कि हर व्यक्ति, चाहे वो सामान्य हो चाहे दिव्यांग हो, सबके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष है, तो हमारा संघर्ष तो बढ़ जाता है, वो सबको पता है, तो बढ़ जाता, तो समस्या का समाधान हमें एक पॉजिटिव तरीके से, और जीवन में जितना खाना पीना सोना जरूरी है उसी तरीके से अगर हम देखें तो विश्व गुरु भारत ऐसे ही नहीं कहलाता है। योगा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमें अपने घर में ही बैठ करके, अगर घर छोटा भी है तो एक ही जगह पे खड़े होकर के भी हम कुछ इस तरीके का वर्कआउट या व्यायाम या जो भी जिस तरीके की सहूलियत आपके पास है वो करके भी हम अपना स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि शारीरिक जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम मानसिक स्वस्थ होंगे। शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बने रहना भी बहुत जरूरी है। तो इसे अक्सर इन दिनों बच्चों के फोन आए हैं कि बहुत तनाव में है, बहुत तनाव में। मैंने कहा तनाव में रहने की जरूरत नहीं है, आप सकारात्मक सोच रखिए, आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। क्योंकि हम अगर हम सुरक्षित होंगे तो हम देश के क्या विश्व के काम भी आएंगे। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिक इकाई हम है, हम अपने को सुरक्षित रखें। हम भी समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण इकाई है जितने दूसरे हैं। हमारे जो अनुभव है वो दूसरे हैं और उनके अनुभव दूसरे हैं। हम मिल करके ही सहयोग करेंगे तो इस कोरोना महामारी से हम जूझ सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम इन समस्याओं का समाधान डॉक्टर्स के द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं उसको अपने जीवन में उतारें, योग गुरु जो बता रहे हैं उसे उतारें, खान पान अपना पौष्टिक रखें। तो हमें लगता है कि ये सब चीजों से हम लोगों को इस समस्या से जूझने में आसानी होगी। क्योंकि एक तरफा जो वक्तव्य होता है वो बहुत उबाऊ होता है, क्लासरूम टीचिंग में यही मुझे समझ आता है। तो मैं अपने वक्तव्य को अब समाप्त करके पार्टिसिपेंट से सीधे सीधे खुला मंच छोड़ने के लिए कन्वीनर को बोलूंगी कि वो बच्चों को बोले कि वो सीधे सीधे पूछें। वो पूछने में ये विषय
या वो जो समस्या सोच रहे हैं वो सीधे सीधे मुझ तक पहुंचेंगी? कौन सुनना नहीं क्या? पुष्पा जी ने फोन नहीं क्या? कट गया क्या? हेलो, इट्स ओके मैम, कनेक्ट है? जी क्या हुआ? बोल नहीं रही हैं मैम, आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बीच में हम चले गए थे क्या? कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपना जितना महत्वपूर्ण चीज मैं सोचती हूँ वो मैंने कहा, और मैं मंच को खुला छोड़ना चाहती हूँ कि पार्टिसिपेंट सीधे सीधे प्रश्न पूछें जिससे कि ये वक्तव्य बहुत उबाऊ ना हो। और बहुत बहुत धन्यवाद चंदा मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह से दिव्यांगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैडम, मैं अब आपसे अपने प्रतिभागियों की ओर से निवेदन करना चाहूंगी कि आप स्वयं की रची हुई कोई कविता हमें सुनाएं, प्लीज मैम। कविता से पहले प्रश्न ना ले ले, पहले कविता सुना दीजिए मैडम, कविता का आनंद उठा लेंगे हम पहले। तो बीमारी से संबंधित सुनाऊं या कुछ और सुनाऊं? जो आपकी इच्छा हो, आपकी जो पसंदीदा हो। अभी रिसेंटली मैंने लिखा है कोरोना न्यूज, बहुत सुना, और न्यूज सुनते समय जो मैं महसूस कर पाई उसको लेकर के 10 दिन भी नहीं हुआ होगा इसको लिखा है। तो आप सुनिए कोरोना। कहो कोरोना कहां से आए, कहो कोरोना कहां से आए, किस किस देश में घूम के आए। कहो कोरोना कहां से आए, किस किस देश में घूम के आए, कैसी कैसी विपदा लाए, घर घर में दुख दर्द ले आए। अर्थ जगत में मंदी छाई, राजनीति में छिड़ी लड़ाई, नए नए शब्दों को लेकर नए साहित्य की हुई उत्पत्ति, COVID-19 और कोरोना मचा रहे चहु विश्व में रोना, मास्क और सैनिटाइजर का हुआ गर्म बाजार देश में। कहो कोरोना कहां से आए, किस किस देश में घूम के आए। कहो कोरोना कहां से आए, किस किस देश में घूम के आए। सूनी पड़ गई रेल पटरियां, सूनी पड़ गई रेल पटरियां, सड़कें सारी खाली हो गई, छिड़ी जंग एक नए तरह की, खाई और भी गहरी हो गई। पूंजीपति को अर्थ की चिंता, मजदूरों को पेट की चिंता, लौट चले मजदूर घरों को, लौट चले मजदूर घरों को लेकर अपना डेरा डंबर। कितने कटे रेल पटरी पर, कितने कटे रेल पटरी पर, कितने घायल हुए सड़क पर। कहो कोरोना कहां से आए, किस किस देश में घूम के आए। कहो कोरोना कहां से आए, किस किस देश में घूम के आए। कितने गिरे खाई खंदक में, कितने भूखे पेट मरे, पेट में बच्चे गोद में बच्चे, पेट में बच्चे गोद में बच्चे, नन्हे मुन्ने पैदल चलते, तेज धूप 45 डिग्री, देखो पैर में छाले पड़ गए। कितने बूढ़े कुबड़ी माँ को, कितने बूढ़े कुबड़ी माँ को पीठ पे अपनी लाद चले हैं। कोई रोता और बिलखता, कोई जी भर गाली देता। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। देखो लोग अब लौट रहे हैं, देखो लोग अब लौट रहे हैं, अपने गांव को ढूंढ रहे हैं,
कितना क्रंदन कितनी पीड़ा, कितना क्रंदन कितनी पीड़ा, घर घर में अब भय की लीला, हाथ जोड़ अभिवादन करते, नित दिन दूरी बना के रखते, होटल ढाबे मॉल बाजार हो गए सारे बंजर हाल, शहरों में सन्नाटा पसरा, शहरों में सन्नाटा पसरा, मैं खाने तक मौन हो गए, कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए, कहो कोरोना कहाँ से आए, किस किस देश में घूम के आए। ये कविता यहीं समाप्त होती है। थैंक यू चंदा मैम, बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा और कविता का हम सभी ने पूरा आनंद लिया। और अब मैं प्रतिभागियों की ओर से जो कुछ प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एक प्रश्न निशा की तरफ से आया है, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन इस समस्या से मुकाबला कर पाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद मैंने इसका आंसर दे भी दिया लेकिन फिर भी प्रश्न तो पहले आया होगा। हमें सबसे पहली बात कि दिव्यांगों को सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, तभी वो मन से अपने स्ट्रांग होंगे। मन से स्ट्रांग होंगे तो किसी भी, क्योंकि देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से नहीं हार गए तो हम किसी भी जंग में हारेंगे ही हारेंगे। तो हमें हारना नहीं है, हमें देश, अगर पूरा देश ही लड़ रहा है तो उसी का तो हम हिस्सा है ना, जितनी भी आबादी है उसी का हम हिस्सा है। तो हमें अपने मन और हमें मन में पूरा विश्वास, किसी भी महामारी या किसी भी आपदा से जूझ सकते हैं। और यही मेरा जो वाक्य है ये आप लोगों को मनोबल प्रदान करेगा, हमारे दिव्यांग भाइयों भाई बहनों के साथ साथ आप लोगों को। धन्यवाद मैम। और दूसरा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया कि दृष्टिहीन व्यक्तियों का कि आंखें, अगर मैं कहूं कि उनके कान और उनकी त्वचा उनकी आंखों का काम करती हैं, तो जैसे कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में स्पर्श किए बिना दृष्टिहीन व्यक्तियों के जो समस्याएं हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ी हैं, तो किस प्रकार से हमारे जो दूसरे दृष्टिहीन भाई बहन हैं वो इस समस्या का सामना कर सकते हैं या उनका समाधान निकाल सकते हैं, आपकी तरफ से उनके लिए कोई एडवाइस मैम? ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न खड़ा करके आपने मुझे कटघरे में भी खड़ा किया है। रीजन ये है कि ये संयोग ही है कि मैं लखनऊ में बैठी हूँ। सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और कटघरे में खड़ा किया है। कारण ये है कि अभी तो मैं परिवार में बैठी हूँ और बहुत भगवान की मेहरबानी है कि बहुत मंगलमय टाइम मेरा बीता। लेकिन मैं उन अपने हजारों भाई बहनों के लिए बहुत चिंतित हूँ जो इस संकट से जूझ रहे हैं। अब आपने कहा कि क्या सुझाव, सुझाव मैं यही दूंगी, कोशिश करें अनावश्यक बाजार से बचें, जरूरत की चीज हो सके तो, क्योंकि खतरा तो बाहर जाने में भी है, हो सके तो वो घर पे ही मंगवा लें, क्योंकि खतरा दोनों तरफ से, हमारे जाने से ज्यादा खतरा, आने में भी है, मैं ये नहीं करूँ आने में नहीं है, पर बेहतर होगा कि घर पे ही, हाँ घर पे ही मंगवाएं। तीसरी चीज, वो अपना शारीरिक श्रम जरूर करें, व्यायाम जरूर करें और पॉजिटिव सोच रखें ये, और खान पान अच्छा, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अपने आप ही हम किसी भी बीमारी क्या, किसी भी महामारी क्या, मतलब किसी भी परेशानी से हम जूझ सकते हैं। और ये हमारा आत्मविश्वास ही हमें प्रदान करेगा। ये इन सब पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए हमारे जो दृष्टिहीन जो दिव्यांग जन है वो इन सब चीजों का ध्यान रखें तो बच सकते हैं इन समस्या। थैंक यू मैम। एक और प्रश्न है
कि जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कुछ अलग ही तरह की दिक्कतें सामने आई हैं, परंतु जब हमारे स्कूल कॉलेज फिर खुलेंगे तब किस प्रकार का शैक्षणिक जीवन में बदलाव महसूस होगा? मैं उम्मीद करती हूँ आप जिसने भी ये प्रश्न किया है बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है और इससे मैं जूझ भी रही हूँ। इसलिए तो मैं जूझ रही हूँ क्योंकि मैं सिंगल वुमेन हूँ, मैं अकेले ही अपना कॉलेज और घर दोनों मैनेज करती हूँ और लगातार मैं इस विषय को अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ कि जब कॉलेज खुलेगा और मुझे दिल्ली वापस आना पड़ेगा तो कौन सी चुनौतियां हैं, उनसे मुझे कैसे जूझना है। नंबर वन, वो एक अलग चीज है मैडम कि वो मेरा सामाजिक व्यवहार है तो लोग आएंगे सहयोग करेंगे, पर फिर भी दिन प्रतिदिन का काम मुझे खुद करना है तो इसमें क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। अभी तक क्या होता था कि दृष्टिहीन होने के नाते जब मैं कॉलेज में जाती थी हॉस्टल के गेट में ही पहुंचती थी तो गेट कीपर भैया या चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बड़ी अच्छी बात है कि वो तत्काल एक वेलकम के तरीके से मेरा हाथ पकड़ करके बहुत सारे फैमिली वाले भी नहीं करेंगे मैडम, ये बहुत स्पष्ट चीज को रखना चाहती हूँ, जितने आत्मीयता के साथ वो लोग सहयोग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें पकड़ करके कि मैम मैं आपको लेके चलती हूँ, वो लेकर के जाते हैं। अब क्या होगा जब कॉलेज खुलेगा तो बच्चे को तो नहीं पता है ना कि मैं कोरोना नेगेटिव या पॉजिटिव हूँ, और सच पूछिए मैं पूरे वक्तव्य में कहती रही हूँ सीमा जी या पुष्पा जी या वंदना जी कि बच्चा भी भयभीत होगा मैं भी भयभीत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मुझे लेके जा रहा है वो तो कहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं है। संघर्ष बहुत जबरदस्त बढ़ने वाले हैं और वहां पे संघर्ष ज्यादा बढ़ेंगे मैडम, इसको जमीनी स्तर पे रखना चाहिए जहां टेक्टाइल नहीं लगे। टेक्टाइल पाथ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बता दूं जब मेट्रो में चलते हैं तो जो पीली पट्टी होती है पीली पट्टी सड़कों पे भी लगी होती है और कॉलेज जो भी अवेयर संस्थाएं हैं उन्होंने टेक्टाइल लगाया है। अब बहुत सारे कॉलेज ये दावा करते हैं कि हमने QR कोड लगा दिया है। आप सोचिए कि मोबाइल से आप स्कैन करोगे QR कोड, किसी कारण से मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और मैं किसी चौराहे पे खड़ी हूँ कॉलेज के अंदर, मैं कैसे जाऊंगी? आप सोचिए इस चीज को, आपको भी सोचने के लिए, और मैं तो समस्या से जूझूंगी उसके लिए तो मैं मानसिक रूप से तैयारी हूँ। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्टिक का अगला सिरा पकड़ करके ले जाएंगे। मैडम इतना कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि आधे लोगों का पर्सनैलिटी का सवाल खड़ा हो जाता है, आधे लोगों को दिव्यांगों का सहयोग करने में स्पेशली दृष्टिहीनों का सहयोग करने में उनको लगता है यार क्या है, ओहो ब्लाइंड का हाथ पकड़ के लिए जाना पड़ेगा। एक स्पर्श कविता है और स्पर्श कविता अगर मुझे टाइम पे मिल जाती इसी वक्तव्य में तो वो मैं जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि वो सीधे सीधे मेरी इस मंशा को इस फीलिंग को बयान करती है कि किस तरीके से जब हम लोग हाथ पकड़ के चलते हैं तो किस किस भाव से बच्चे जो है हमें लेके जाते हैं, वो आप सोच भी नहीं सकती कि जिन चुनौतियों का हम लोग सामना करते हैं वो कैसे कैसे होता है। मैं वैसे ही कोट कर देती हूँ, अगर वो लाइनें मिल जाती तो बताती हूँ, नहीं तो मैं बताती चलती हूँ आपको। होता क्या है कि जब हाथ पकड़ना होता तो कईयों की तो पर्सनैलिटी, खूबसूरत महिला होगी या लड़की होगी तो आधी पर्सनैलिटी वैसे ही उसकी डाउन हो जाएगी, है ना, उसको लगेगा क्या यार। दूसरा कि कईयों को गिल्ट फील होता कि क्या है मुझे ब्लाइंड का हाथ पकड़ना पड़ा, ठीक। तो ये आप कहेंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं ये पूरे विश्वास से कहती हूँ कि ऐसा है क्योंकि मैंने वो झेला है। अलग अलग भाव होते हैं मैडम, जब चार टीचर आप में से भी चार टीचर मुझे अलग अलग जगह पे लेके जाएंगी और मेरा सहयोग करेंगी तो मैं एक एक की हाथ की रीडिंग को रीड कर सकती हूँ कि किस में क्या भाव था, किस में दोस्ताना भाव था। जैसे कई हाथों के स्पर्श के सहारे आप आए हैं इस मन
इस मंजिल, कई हाथों के सहारे आप आए हैं इस मंजिल तक, महसूस की है हाथों की छुवन को, हाथों के सहारे वक्त अलग अलग हैं, हाथों के सहारे के अलग अलग हैं सभी के हाथों के स्पर्श, अलग अलग हैं सभी के हाथों के स्पर्श, अलग अलग एहसास से भर देते हैं ये स्पर्श, अलग अलग एहसासों से के अलग अलग एहसास से भर देते हैं स्पर्श, कुछ हाथों के स्पर्श से अपनेपन का भाव घना होता है, कुछ हाथों के स्पर्श से बराबरी का अंदाज छिपा होता है, कुछ हाथों से स्पर्श कामुकता का भाव प्रबल होता है, कुछ हाथों के स्पर्श मिटा देते हैं अपने और पराये का भाव, कुछ हाथों के स्पर्श में अपार स्नेह भरा होता है पुत्रवत। क्यों? क्योंकि हाथों का जो सहयोग है वो कोई जरूरी नहीं कि मेरा स्टूडेंट ही कर रहा हो, अनजान टीचर, अनजान बच्चे, अनजान सड़क पे चलते हुए लोग करते हैं, सबके एहसास बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कई मैंने ये जो लाइन बोली है, कई हाथों के स्पर्श में भरा होता कामुकता का प्रबल भाव, ये मैंने महसूस किया, इसीलिए मैंने लिखा भी है कि वो किस तरीके से हाथ पकड़ते हुए जो एक तरीके से छेड़ जाने का जो भाव। तो बहुत सारी चुनौतियां, जिन्हें भी ये प्रश्न किया है, ये सचमुच मुझे सोचने की जरूरत है कि बहुत संकट आएंगे और उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि अगर हम भटक भी रहे हो तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे भाई जहाँ 5 मिनट लेट होंगे वहां 7 मिनट 10 मिनट लेट होंगे, मानसिक रूप से परेशान ना हो, उस समय के लिए हम तैयार हैं कि कैसे कैसे हालत हो सकता है, कोई देख के भी हमें अपना ही व्यक्ति, अपना ही बच्चा क्रॉस करके जा सकता है, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति हमारे लिए नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे लिए होगा, कोई दूसरों के लिए होगा, तो हमें बहुत सहज रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यही मेरा आंसर है इसके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैम, कि ये है भूमिका वर्मा की तरफ से, कि मैम इस महामारी के दौरान जैसे कोई सकारात्मक विचार रखे, कैसे कोई सकारात्मक रह सकता है जहां हर पल स्वयं पर खतरा मंडरा रहा हो। देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब दोस्ती टूटती है, मैं बहुत सीधे सीधे बच्चों के पर्पस पे, मतलब बिल्कुल बच्चों के लेवल पे जाके आंसर देती हूँ, एक बार विश्वास टूटता है, हम कहते हैं हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए कहते हैं ना, पर किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है, बिना विश्वास के कोई रिश्ता होता ही नहीं है। अब इसको और बचपन की लेवल पे लेके जाऊं और सीधे सीधे बच्चे को आंसर दिखाने की कोशिश करती हूँ, जब हम आपस में, कोई जरूरी नहीं कि लड़का लड़की, लड़की लड़की या लड़के लड़के भी आपस में प्रेम के बंधन में जुड़े होते हैं, तो एक प्रेम टूटता है तो ऐसा थोड़ा ना कि हम खाली रह जाते हैं, खाली जगह हमेशा भरने के लिए तैयार खड़ी रहती है और कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उसको भरता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, सीधे सीधे भूमिका को ये है कि हमारा विश्वास और हमारी सकारात्मक सोच ही किसी समस्या से, हम इतना अगर किसी अज्ञात शक्ति पे आप भरोसा रखते हैं तो आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा, रखेंगे तो एक बार जब आपका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो प्रकृति भी आपके अनुसार जो है निर्णय लेती है, मतलब क्योंकि ये मेरे जीवन के सीधे सीधे अनुभव है, इसीलिए मैं बच्चों को ये जवाब दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ कि नहीं मुझे नेगेटिव, और सबसे बड़ी बात मैं अपने बच्चों को यहाँ पे पटल पे ये कहना चाहूंगी, नेगेटिव में सोचिए, नेगेटिव हमारे व्यवहार, क्योंकि ये बच्चे की गलती नहीं है मैडम, ये उम्र ही ऐसी है,
क्योंकि जिस एज में मैं बैठी हूँ आज से 20 साल पहले का अंदाजा लगाइए, जब मैं अपने नौकरी के लिए संघर्षरत थी, परेशान मैं होती थी लेकिन इतना नेगेटिव नहीं थी। मैं अपने किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट को नेगेटिव अप्रोच रखने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि जैसा हम माहौल बनाते हैं वैसा ही हमारा वायुमंडल तैयार होता है। आप नेगेटिव सोच रखोगे, सारे नेगेटिव आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। मैं क्लासरूम में भी इन बच्चों को बोलती हूँ कि नहीं, आप पॉजिटिव रखिए, अपने आप ही पॉजिटिव माहौल या पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ के साथ सीधे सीधे जुड़ जाए। ठीक, तो मैं बच्चों को यही बोलूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मधुबिता बिष्ट की तरफ से कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस एंड डिसेबिलिटीज टू लिव इन द इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी और द अदर प्लेसेस। इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन द राइट्स ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। सीधे सीधे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज पे और किस पे पूछे ने COVID-19 का प्रभाव व्यक्तियों के राइट्स पर, अधिकारों पर, समाज दिव्यांग व्यक्तियों के राइट्स पर, अधिकारों पर। हाँ, अधिकार पर तो इसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिव्यांगों के ही अधिकार गए, भाई उनके नौकरियां छूटी। हाँ, नौकरियां तो छूटी है, जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने तुरंत जब सामान्य लोगों को निकाला तो दिव्यांगों को भी निकाला। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि COVID-19 की वजह से एक नई चुनौती क्या खड़ी हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मेरे को सोचने के लिए मौका मिल गया कि जब राज्यों में दिव्यांग गए, सामान्य लोगों के साथ साथ दिव्यांग भी अपने घरों को वापस जब लौटे हैं तो वहां उनकी समस्याएं बढ़ गई। क्या होता है कि जहां पे हम जीवन जीते हैं वहां तो लोगों को हमारे बारे में पता होता है कि वो ये सब काम कर लेती है या ये अपने आप चली जाएगी या कुछ 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 कुछ, या ये सक्षम है या उनको ये भी पता होता है कि कहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो लोग जागरूक नहीं है, जिन राज्यों में वो बचपन से रहे नहीं है और अब वापसी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिया जा रहा है या उनको रोजगार देने की बात की जा रही है, तो इसमें दिव्यांग जो है दिव्यांगों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं लोग कि उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाए, क्या रोजगार दिया जाए कि वो बैठ करके अपना जीवन यापन घर पे ही कर सके। तो ये नए तरीके की चुनौती उनके लिए तैयार खड़ी। जैसे हम लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जब कॉलेज या बैंक खुलेंगे उनके लिए चुनौती है, तो उसी तरीके से जो घर वापस गए हैं उनके लिए रोजगार, बेरोजगार हो गए वो, उनको रोजगार की समस्या खड़ी है कि क्या करके अपना जीवन यापन करें। थैंक यू मैम। और बहुत से क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी कविता के लिए भी हमें बहुत से प्रश्न मिल रहे हैं चैट बॉक्स में। और इसी कड़ी में एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वह है, लॉकडाउन अवधि के दौरान आपने किस प्रकार की हॉबीज अपनाई? गुड, अच्छा था। सच बोलना चाहिए कि मैंने बहुत आराम की जिंदगी बिताई। हॉबीज में अब मैं क्या नया जोड़ूं, क्रिएटिव क्या हुआ। ये कविता भी मैं इसीलिए लिख पाई कि मेरी एक मित्र संयोगवश मेरे ही एरिया में रहती थी और वो ये ब्रेल लिखने का सामान मुझे तो उसको पेपर पे उतारना पड़ता है। मैडम, पेपर पे उतारने के लिए लंबे समय तक कोई संसाधन नहीं था घर में। मैं अपने दैनिक काम रोजमर्रा के सारे काम मैं खुद करती हूँ और एक्सरसाइज भी चूंकि रेगुलर करती रही हूँ, तो उस मेरे लिए नया ये रहा कि मैं कुछ खाने बनाने की चीजें सीखी। जैसे मैंने इन दिनों रसगुल्ले बनाना सीखा। ठीक, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, मेरी सिस्टर हंस रही है बगल में बैठ करके। लॉकडाउन में सभी कुक हो गए हैं मैम। क्या चीज़? हाँ, लॉकडाउन पीरियड में सभी कुक हो गए हैं। इतने आराम फरामोशी में भी मैं जब क्रिएटिव नहीं कर रही थी तो शारीरिक श्रम कहीं जाना चाहिए मैडम, चाहे वो कपड़े सुखाने में जाए या कपड़े व्यवस्थित करने में जाए, पर शारीरिक श्रम होना चाहिए। तो मैंने सारा जो है कुक में ही ध्यान दिया, क्योंकि मैंने ये बात बहुत लोगों ने कहा कि सारे कुक हो गए हैं, कारण कि बाजार बंद हो गई। जब बाजार बंद हो गई तो आपको मिठाई खाना तो खाओगे कैसे, बाजार तो बंद है, तो इसीलिए सारे कुक हो गए।
तो नहीं वो भी यही किया मैंने मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सरकार की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सरकार ने सराहनीय प्रयास किया मैडम। सरकार ने लॉकडाउन उसको ठीक है वो सुनियोजित तरीके से पहले योजना नहीं बना पाई, उसके सामने चुनौतियां इतनी जबरदस्त खड़ी हो गई कि उनको लॉकडाउन करना पड़ा। और उस लॉकडाउन में सक्षम जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है संस्था, उस सक्षम ने और निजी संस्थाओं जितने भी एनजीओ थे उन लोगों ने सराहनीय कदम किया है। जैसे अभी मैंने बोला ना कि थैलोसीमिया में ब्लड चेंज कराना पड़ता है, उनको पका हुआ भोजन जिनको खाना नहीं बनाना आना आ रहा था, जो होटलों के सहारे जीवन जी रहे थे, स्टूडेंट भी थे, कहीं होता है कि बनाने का शौक ही नहीं होता है, तो उनको पका भोजन, किसी को राशन चाहिए, जैसे महाराष्ट्र से एक फैमिली की लिस्ट आई थी जिसमें कि कहा गया था कि मुझे कच्चा भोजन राशन नहीं मिल रहा है, तो हर तरीके की जैसे अभी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब ऑनलाइन पेपर की बात हुई तो सरकार ने सर्वे कराया कि ऑनलाइन में दिव्यांगों की क्या स्थिति, तो दिव्यांगों ने कहा, क्योंकि ये सर्वे मैंने अपने कॉलेज में खुद करवाया था, ये मीटिंग भी मैंने करवाई थी, तो सीधे सीधे आंसर रखती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमें रीडिंग मटेरियल प्लस ऑडियो मटेरियल प्लस डिवाइस नहीं है, तो सरकार ने ये भी प्रॉमिस कर लिया था कि अगर हम ऑनलाइन पेपर कराएंगे तो आपको स्क्राइब प्लस डिवाइस पेन ड्राइव या जो भी चीज चाहेंगे आपको आपके एरिया में उपलब्ध कराऊंगा या कराएंगे, तो ये कितना सराहनीय कदम है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं सरकार को बहुत पॉजिटिव तरीके से देख पा रही हूँ कि जैसे ऑनलाइन के लिए वो सोच पाई कि भाई दिव्यांगों की क्या चुनौतियां हैं, उसमें क्या हम कर सकते हैं, उनके आवश्यकता की जैसे जिनको दवाइयां नहीं उपलब्ध थी उन तक दवाइयां भी, जैसे तमिलनाडु में संस्थाओं ने बहुत सक्रिय काम किया मेडिसिन पहुंचाने का, क्योंकि बहुत सारे मनोरोगी ऐसे हैं जो बिना दवाई के एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, तो बहुत सारी संस्थाओं ने और सक्षम ने उनको दवाइयां पहुंचाने तक का भी काम किया। मैम जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा उन्होंने हमें योगदान दिया है, तो आप दृष्टिहीन होने के नाते किस प्रकार से और कौन सी तकनीक आप यूज करती हैं ताकि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उनको भी पता चले कि किस सुविधा से वो अपनी लाइफ को और स्मूथली रन कर सकते हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है और इसके दो तरीके से आंसर देना जरूरी है। जो शिक्षित लोग हैं उनको तकनीक, सीधे सीधे बात रखो, जो 50+ हैं उनको तकनीक में थोड़ी दिक्कत तो है, क्यों? क्योंकि बचपन से उन चीजों से जूझे नहीं, क्योंकि मोबाइल मुझे याद आ रहा है कि 2003 या 2004 में बेसिक फोन खरीदा गया था हम लोगों ने खरीदा, कमाने के बाद स्मार्टफोन खरीदे गए, तो तकनीक बहुत सक्षम बनाता है दिव्यांगों को, स्पेशली दृष्टिहीनों को जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, लैपटॉप और टैब और आपका स्मार्टफोन के जरिए। दिक्कत जो अशिक्षित है उनके लिए है, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है तो तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वो हर सुख सुविधा से वंचित है, क्योंकि ब्रेल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब क्योंकि मनोरंजन के जितने भी साधन आज दिव्यांग चाहे वो दृष्टि बाधित हो या ऑर्थो हो, वो टेक्नोलॉजी के सहारे अपना मनोरंजन से लेकर के कार्यालय से लेकर के घरेलू काम काज की चीजों को ऑर्डर करने से लेकर के हर चीज वो टेक्नोलॉजी के सहारे कर रहा है। चिंता का विषय है कि जो लोग शिक्षित नहीं है, दूर दराज के गांव में है, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, उनको किस तरीके से तकनीक से अवगत कराया जाए कि वो कम से कम कुछ चीजों को समझ करके कुछ अपने काम को कर सके, क्योंकि लैपटॉप वगैरह पे टाइप करना कुछ चीजें, मैं लैपटॉप बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं मोबाइल फ्रेंडली हो गई हूँ इन दिनों तो कम से कम, लेकिन लैपटॉप का इस्तेमाल हमारे बच्चे करते हैं, बखूबी करते हैं, बल्कि
वो मेरे से बेहतर करते हैं। अगर इस पटल पे मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो यंग बच्चे हैं, उनके पास शुरू से ही वो चीजें उपलब्ध है, तो वो मेरे से बेहतर करते हैं। तो तकनीक बहुत बड़ा सहायक है हमें रोजगार को देने में, हमें सक्षम बनाने में भी, हमारे असाइनमेंट को चेक करने में, हमें पीपीटी के बनाने में भी। तो ये है मेरा जवाब। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सराहनीय, आपने सभी सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। और अब मैं माननीय प्राचार्य डॉक्टर अनीता सहरावत जी, हमारी वक्ता डॉक्टर चंदा सागर जी, देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हमारे सभी प्रतिभागी एवं मेरी प्रिय टीम सदस्यों, आप सभी का धन्यवाद देने का मौका पाकर आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। समस्त विश्व के लिए कोरोना महामारी एक बेहद कठिन समय रहा है, और उसमें भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए यह समय और भी मुश्किलों भरा रहा। डॉक्टर चंदा सागर जो एक प्राध्यापिका के साथ साथ कुशल लेखिका कवयित्री भी हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से हमें कोरोना महामारी में दिव्यांगों की चुनौतियों के बारे में अपने वक्तव्य में बताया। डॉक्टर चंदा सागर जी का कठोर परिश्रम, उनके कार्य के प्रति उनकी लगन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज जितने भी प्रतिभागी इस वक्तव्य में आपके साथ जुड़े हैं, वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आपने दृष्टिहीनता को अपनी कामयाबी के आगे कभी आने नहीं दिया। उन चुनौतियों का आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उनको दूर किया है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मैं अपने सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी प्रेजेंस से इस वेबिनार को सफल बनाया। मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर अनीता सहरावत जी का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया व निरंतर हमें उनका सहयोग मिलता रहता है। मैं अपनी कर्मठ टीम संयोजिका डॉक्टर पुष्पा देवी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से डॉक्टर मिसेज अल्पना, मिसेज सोनिया मलिक और मिसेज शकुंतला गुप्ता का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने का अथक प्रयास किया। मैं भी अपनी ओर से आपकी प्राचार्या, आपकी पूरी टीम और टेक्निकल सहायक सोनिया जी को भी धन्यवाद करती हूँ इतने महत्वपूर्ण विषय को चुनने के लिए। और मैं उन सभी लोगों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम जो दिव्यांगों की सहायता के लिए, चाहे वो सरकारी संस्था है चाहे एनजीओज हैं, जो हमेशा दिव्यांगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर होने के नाते मैं अपने सभी एनएसएस वॉलंटियर्स व तमाम लोगों से यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी दिव्यांगों की मदद के लिए आगे बढ़ें और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में अपना सहयोग दें। पॉजिटिविटी, आपने बताया कि इस कोरोना महामारी से बचने का, इसको निर्वाह करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आइए हम सभी अच्छे काम जारी रखें। आज हम ऐसा कुछ करें कि कल हम स्वयं को उस काम के लिए धन्यवाद दे सकें। पुनः सादर धन्यवाद डॉक्टर चंदा सागर जी, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।